हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। अल्लाह का शुक्र, आज की मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी पॉजिटिव रही। थोड़ा सा हम डेटा पोर्टल पे चलते हैं और आज की मार्केट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। देखिए, मार्केट ने आज जो इंट्रा डे हाई लगाया वो 44,066 का था, जो मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था आप लोगों को, कल की वीडियो में भी कहा था, फ्राइडे की वीडियो में भी खास कहा था कि मुझे मार्केट 44,000 पे जाते हुए अभी भी नज़र आ रही है। और अल्लाह का शुक्र है, मार्केट ने ये जो लेवल है वो अचीव किया। आज के तौर से सेशन की बात कर ली जाए, आज का जो सेशन रहा वो मार्केट खुली ही पॉजिटिव, हमने देखा मार्केट पॉजिटिव खुली। फिर ये मार्केट ने जो 44,000 का हाई लगाया, बीच में थोड़ी हाँ फ्लक्चुएशन आई, फिर हाई साइड पे गई, फिर डिप पे आई, फिर मतलब के मार्केट में ओवरऑल आज पॉजिटिविटी ही रही है। मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया है उनमें जिनमें एक्टिव स्टॉक्स में टेलीकार्ड, TPLP, ट्रीट, हेस्कॉल, यूनिटी, बाइको, WTL, OGDC, GGL और TRG रहे। तो बेसिकली आज वॉल्यूम्स भी कल की नस्बत ज़्यादा रहे मार्केट के अंदर। आज के जो वॉल्यूम्स लगे वो 89.17 मिलियन थे, जो कि कल के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तो नहीं लेकिन ज़्यादा है। कल के वॉल्यूम 73 मिलियन थे। अब मार्केट आज जहाँ से रिजेक्ट हुई, मैंने आप लोग को कहा भी था कि 44,000 पे हमारा टारगेट अचीव होगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, ये जो मार्केट का आज जो रिजिस्ट हो रही है वो बेसिकली ये 900 का लेवल है। मैं अभी भी मानता हूँ 800 का आज जो मार्केट ने ओवरऑल क्लोजिंग दी बहुत अच्छी दी है, नो डाउट, लेकिन मुझे अभी भी मार्केट के अंदर चैलेंज नज़र आ रहा है। मेरे व्यू की बात करें, थोड़ी थोड़ी अभी भी सेलिंग मौजूद है और ओवरऑल ये तो कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो 150 बेसिस पॉइंट और ये बढ़ने की बात हो रही है हमारे इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग कॉशियस है, हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि हमारा भी रद्द अमल यही होना चाहिए और यही मैं आप लोगों को अभी प्रेफर करता हूँ। RSI ये जो हमारे दो दिन से स्ट्रेट लाइन में जो साइडवेज चल रहा था, आज उसने हमें एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ दिया और 40 के ऊपर जाते हुए नज़र आया है। थोड़ा सा अगर हम आ जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखिए अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो कल मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक साइडवेज चैनल में घुस चुकी है और अब मुझे ये साइडवेज चैनल पॉजिटिविटी का लग रहा है, क्योंकि हमने देखा ये जो लोज लग रहे थे अब वो लोज हायर हो चुके थे, जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि एक कोई अगर सेफ बाइंग की तरफ जाता है तो ये 600 का लेवल का इंतज़ार कर सकता है, 600 के ऊपर क्लोजिंग आए बाइंग कर सकता है। और मैंने बोला जो अभी बाइंग करेगा उनका स्टॉप लॉस 45,750 ही रहेगा। देखिए, अब कल के ऊपर भी थोड़ी सी हम मार्केट का जायज़ा ले लें। मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है आज वो अच्छी रही है, लेकिन और जहाँ से देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये ग्राफ भी दिखाऊँ, ये देखिए 15 मिनट के ग्राफ में जो RSI अभी मौजूद है 60 पे मौजूद है, जो कि अभी अच्छा RSI है करंटली। लेकिन अभी आपने इंट्राडे के लिए जो रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान से नोटिस रखना है, इंट्राडे की आपकी रेजिस्टेंस 43,902 रहेगी, ये 900 ही रहेगी बेसिकली। ये इस लेवल की भी एक अपनी अलग ही इम्पॉर्टेंस है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये देख सकते हैं, हमें इधर जो है प्रॉफिट बुकिंग पहले भी देखने को मिली, फिर मार्केट ने अलग बात है ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये कि इस लेवल की अपनी इम्पॉर्टेंस है। ये देखें इधर पहले भी मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, पहले भी रेजिस्ट हो चुकी है, तो ये एक जो लेवल था ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके अलावा जो मार्केट ने आज अपना गैप फिलिंग करने आया, मार्केट ने जो गैप फिल भी किया 43,976 का, तो ये मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि मार्केट की यही कोशिश होती है जो ये गैप्स बनाएं वो मोर दी लेस ज़रूर उसे फिल करने आती ही है। अब ये तो हर बार तो नहीं होता, लेकिन ये अक्सर होता है, जैसे ये कैंडल देखी हमने, इसके बाद ये ओपन ही पॉजिटिव हुई तो ये अप साइड पर जाकर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर आप ये देखें ये गैप डाउन के साथ ही खुली थोड़ी सी, तो ये बात अलग है, ये मार्केट की कोशिश होती कि इधर आए। अभी देखिए जो मार्केट में आपकी कल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कल की भी जो स्ट्रेटेजी की बात करें, आपने कोशिश करना है हाई साइड पे, अभी भी मैं यही मानता हूँ कि हाई साइड पे हमें कोशिश करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की। कैसे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जायज़ा ले लें। आपका जो मेन रेजिस्टेंस एरिया पहला 43,900 का है,
इधर देखिए, हो सकता है अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग सी आ सकती है, चांसेस यही है, इसलिए क्योंकि आखिरी की जो ये 15 मिनट की हम लोग कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में यही पता चलता है कि इस कैंडल ने अपना बेसिकली इसका हाई भी नहीं तोड़ा ना ही लो तोड़ा, तो ये थोड़ा थोड़ा इधर ट्रेंड भी वीक होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये है कि जो पहला रेजिस्टेंस एरिया आपका वो 43,900 रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 44,100 का रहेगा, और फिर लेटर ऑन 300 और 400 के लेवल्स आपके लिए कल के लिए मेन रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट की सपोर्ट एरिया की बात करें, क्योंकि अब मार्केट ने जो रेजिस्टेंस कल आपको बताई गई थी वो तोड़ दी है, तो अब वही रेजिस्टेंस हमारे लिए बेसिकली सपोर्ट का काम करेगी, और ये भी एक अच्छी सपोर्ट है, बहुत बार मार्केट ने यहाँ से रेजिस्ट हुई है। तो बेसिकली ये जो सपोर्ट है 43,500 और 550 का लेवल है, ये एक अच्छा लेवल है। और जो आपका एक और सपोर्ट एरिया बन सकता है बीच में माइनर वाला, वो 43,700 का रहेगा, क्योंकि आज भी मार्केट ने इस लेवल से बाउंस बैक होते हुए दिखाई दी, और इसके अलावा पहले भी मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक की हुई है, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे। तो ये आपके दो रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया रहेंगे कल के लिए, और डेली के टाइम फ्रेम में भी हम यही देख सकते हैं, जो 43,900 का लेवल है, 43,900 44,000 का लेवल, इधर से पहले भी सपोर्ट और पहले भी मार्केट हमें यहाँ से रेजिस्ट होते हुए दिखाई दी है, तो ये एक चैलेंजिंग लेवल होगा। अगर मार्केट इसे ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो फिर हम देख सकते हैं मार्केट को अपवर्ड की तरफ जाए, अपवर्ड 44,250 और 43,000 ऑफ सॉरी और 44,000 5 से 600 के लेवल पे जाए, लेकिन फिलहाल ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है 43,900 का। आज हमें जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक थे उन्होंने भी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दी दिए, लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, उनकी अर्निंग्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो अभी फिलहाल ट्रेडिंग के लिए मैं मानता हूँ कि कर सकते हैं आप लोग सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप उसमें अभी फिलहाल इन्वेस्टिंग ना करें। उसके अलावा भी आज भी जो हम लोग को बैंकिंग सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए, कुछ स्टॉक्स ने फिर भी नहीं परफॉर्म किया, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में थे उन्होंने भी, उनकी बेसिक वजह ये थी परफॉर्म करने की कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उसके अलावा हमने देखा जो रिफाइनरी सेक्टर्स है उनमें भी इसीलिए ही परफॉर्मेंस आई क्योंकि वो भी काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड हो चुके थे। ऑयल एंड गैस सेक्टर तो वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, और जो मार्केट गिरी है तो उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, जिसमें OGDC और PPL है तो उनमें इतना कोई खास अफेक्ट हमें नज़र नहीं आया। और वैसे ये भी बात है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की अर्निंग को कोई हर्ट नहीं होगा, उनकी अर्निंग्स पे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल आपने जो कल की भी आपकी जो स्ट्रेटेजी रही यही होगी कि आप या तो हाई साइड पे बुकिंग करें, अगर हाई साइड पे बुकिंग नहीं कर सकते तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है मार्केट में। एक जो आखिरी शेयर मैं आज की वीडियो में एनालाइज करता हूँ वो है टेलीकार्ड, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी टेलीकार्ड के ऊपर। तो देखिए टेलीकार्ड की सिंपल सी बात है, आज जहाँ से उसने सपोर्ट ली है बहुत ही अच्छी सपोर्ट एरिया था, और यही हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग टेलीकार्ड के लिए थोड़ी सी डेंजरस रह सकती है। और अगर इसकी थोड़ी सी अपमूव की बात करें तो ये तकरीबन 15 रुपये 45 से 40 पैसे आपका ये टारगेट रह सकता है इसके अंदर, टेलीकार्ड के अंदर जो अभी शॉर्ट टारगेट जो इसका आप कह सकते हैं शॉर्ट जो रेजिस्टेंट एरिया है। और आपकी यही कोशिश होनी चाहिए अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेंगे तो आपकी यही कोशिश होगी कि इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अगर आप डेली बेसिस को एनालाइज कर रहे हैं तो फिर। और ओवरऑल आज जो इसमें जो बाइंग हम लोग को देखने को मिली है, आज का जो वॉल्यूम रहा वो बहुत ही अच्छा रहा ओवरऑल, क्योंकि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये आखिरी के ही कुछ मिनटों में ये चलना शुरू हुआ है, और हाई वॉल्यूम के साथ इसमें एक अच्छी खासी बाइंग आई और इसका रेट भी अच्छा खासा ऊपर चला गया, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव रेट पे है, लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए इससे आप डिप अगर बाइंग करें तो स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करें। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं हूँ हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।